आज हम लोग बात करेंगे गूगल पिक्सल 8 की। ये फोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इसकी प्राइस जो थी 70,000 रुपीज थी। वो प्राइस पॉइंट इस फोन को नहीं जस्टिफाई कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद इसका प्राइस जो है ड्रॉप होकर 50 to 55,000 के बीच में आ गया था। वो टाइम पे भी इस फोन को कोई नहीं ले रहा था, सिर्फ और सिर्फ गूगल पिक्सल फैंस ही ले रहे थे। लेकिन अभी ये फोन सेल में मिल रहा था आपको 31 या फिर 35,000 के अराउंड पे। मैंने तो इसको 35,000 पे लिया है और उस प्राइस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि इस फोन को डेफिनेटली लिया जा सकता है, लेकिन सब लोग ना लें। इसके भी कुछ स्पेसिफिक यूजर है, मैं बताऊंगा वीडियो में अच्छे से आपको। लेकिन एक चीज की भाई फोन की तारीफ करनी पड़ी, बिल्ड क्वालिटी। 31 कहो या फिर 45,000 तक के फोन्स कह लो, उन सब में सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी है। इसमें आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, मेटेलिक फ्रेम है, साथ ही साथ बैक में आपको ग्लास बैक मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें भाई उंगलियों के निशान बहुत ही तेज लगते हैं, आपको दिन भर फोन पोंछना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इन हैंड फीलिंग बहुत ही अच्छा। ऊपर से भाई वन हैंड यूज के लिए बढ़िया है, एकदम कॉम्पैक्ट साइज का फोन है। और दूसरी बात ये कि इसका फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, बाकी सारे फोन्स की तरह नहीं, नीचे नहीं है, कॉम्पैक्ट भी है, फिंगरप्रिंट पोजिशन भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें अच्छी है इसकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊं कि ये फोन किसको लेना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 6.2 इंच की OLED डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट है 120Hz। अब भाई गूगल का फोन है, किसी तरीके की कोई भी OS की स्क्रीन नहीं देखने को मिलती है, उसी में 120Hz है, तो एकदम स्नैपी एक्सपीरियंस है। आपको लगेगा नहीं कि भाई ये 30,000 का फोन है, आपको एकदम बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, एनिमेशन अच्छे हैं, फोन यूज करने में आपको बहुत ही प्यारा लगेगा और डिस्प्ले क्वालिटी टू गुड है। भले ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन स्क्रीन की साइज छोटी है ना, तो जब भी आप कोई भी कंटेंट इसमें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई डिटेल इसमें ज्यादा है। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई डिस्प्ले साइज छोटा है, पिक्सल डेंसिटी ज्यादा होगी इसके लिए, तो आपको कंटेंट जब भी कंज्यूम करो तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा लगेगा, सेचुरेशन ऑन पॉइंट लगेगा, डिटेल्स ज्यादा फील होंगी। ये सारी चीजें इस फोन में अच्छी है। और क्या कहना है भाई, 4K HDR वीडियो को ये बहुत अच्छे से प्ले करता है बिना किसी लैग, बिना किसी जिटर के। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। इसमें आपको मिलता है गूगल का टेंसर G3 चिप विद टाइटन M2 चिप। टाइटन M2 चिप क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया, मतलब एक सिक्योरिटी का चिप अलग, परफॉर्मेंस के लिए चिप अलग। अब हमने मार्केट में बहुत ही सुना है कि भाई G3 तो भाई इंडिया में नहीं चल सकता है, फोन हीट करता है, गर्म करता है। तो अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो मैं आपको ये बता दूं, आपके नॉर्मल टास्क में ये कोई भी इशू नहीं लाने वाला है। आप फोन मिलाते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, घंटों तक बातें करते हो, चैटिंग करते हो, इन सब में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो वहां पे कुछ देर बाद इसका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा, क्योंकि ये फोन थ्रॉटल कर जाएगा। नॉर्मल टास्क में हल्का सा फोन वार्म होता है, उससे इसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता, UI नहीं अटकती है, लेकिन गेमिंग के लिए फोन नहीं है, नॉर्मल टास्क के लिए टू गुड है। हाँ, गेम भी खेलना चाहते हो तो ऐसा नहीं है नहीं खेल सकते, आप हाईएस्ट सेटिंग पे भी खेल पाओगे, लेकिन हाँ मैक्स मैं कह दूं 20 to 25 मिनट तक खेलो, उससे ज्यादा मत खेलो। इसके अलावा इसमें आपको LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। अब आप कहोगे भाई UFS 3.1 स्टोरेज इस प्राइस पॉइंट पे, भूल जाओ भाई, आपको UFS 3.1 ही बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि गूगल का इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है कि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एकदम स्मूथ है, UI में कहीं भी स्क्रॉल कर लो, कैसे भी कर लो, बहुत ही अच्छा है। तो उसकी टेंशन ना लो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका इसके साथ रहने वाला है, UI में तो टू गुड एक्सपीरियंस है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। भाई कैमरा पे हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे। मैंने इससे फोटोज हर एक ऑलमोस्ट कंडीशन में ली है, मतलब आउटडोर्स में लिया है, बाहर जाके लिया है, मार्केट में लिया है, मंदिर में लिया है, हर जगह पे इससे फोटोज लिए, शाम के टाइम लिए, इंडोर्स में लिए, हर जगह से। वो सारी मैं फुटेज आपको दिखा दूंगा, मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा, तो वो सब आप देखो। जैसे सबसे पहले इसके मेन कैमरा की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मेन कैमरा मिलता है 50 MP का। अब ये जो पहले तो भाई गूगल 10 MP 12 MP ऐसे दिया करता था, 50 MP है तो वो काम का भी है। अब देखो, आप अगर नॉर्मल फोटोज ले रहे हो, अगर मैं डायरेक्टली सन के अगेंस्ट में भी हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट में का मैं फोटो खींचता हूँ, एकदम सही आता है। अब नो मैटर वो, और हाँ चलो साथ में हम लोग अल्ट्रा वाइड की भी बात कर लेते हैं, कलर शिफ्ट भी नहीं है। मैं अगर आपको यहाँ पे मंदिर की फोटो भी दिखाऊं तो देखो एकदम सही से, एकदम घंघोर दोपहर में मैंने फोटो लिया, बैलेंस है। किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो लो, ये कोशिश करता है ट्रू कलर्स लाने की। अब इंडोर्स की मैं अगर फोटो दिखा दूं तो उसमें ऐसा है कि भाई इंडोर्स में भी अच्छी फोटोज लेता है, लेकिन सम टाइम ये ऐसा करता है कि फोटोज को इंडोर में नेचुरल बनाने के लिए वहां पे ये थोड़ी सी एक्सपोजर को डल कर देता है, कम कर देता है, फोटो थोड़ी डल लगती है। मुझे लगता है वहां पे इसको सुधारने की जरूरत है। और ऐसा भी ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब
5 out of 2 to 3 टाइम्स ऐसे हो जाता है, तो वो एक बात है। लेकिन इसके अलावा फोटोज इसकी बहुत ही अच्छी हैं, आप डे टाइम में फोटो ले लो, और नाइट टाइम में क्या फोटोज लेता है, आप एकदम अंधेरे में फोटो लोगे ना तो वहां पे भी लगेगा यार यहाँ पे लग रहा है लाइट जल रही है। मैं यहाँ पे आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो एक सैंपल अभी आपको दिख रहा है गाड़ी के पास का, यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट डिम थी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लाइटें जल रही है। तो नाइट फोटोज में तो भाई गूगल का कोई जवाब ही नहीं, ऐसा ही नहीं लग रहा है कि ओवर एक्सपोज है या फिर ब्राइटनेस बढ़ा दी, अच्छा है, नाइट फोटोज बहुत ही अच्छे हैं। और अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट्स की। भाई जब मैंने इससे मल्टीपल पोर्ट्रेट शॉट्स लिए, लोगों ने फोटो दिखा कहा बहुत ही अच्छी फोटोज है, लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से देखो ना, फोटोज अच्छी है, पहले ग्लांस में आपको फोटोज एकदम टू गुड लगेंगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको जूम करके देखोगे ना, तो यहाँ पे हर दूसरी फोटो में शायद एक दूसरी फोटो छोड़ करके वहां पे आपको एज मिस देखने को मिल जाएगा। अब ये अपने एज मिस को, इनको सुधारने की जरूरत है। फोटोज भले ही अच्छी लेता हो, पहले हम लोग कहते थे कि भाई गूगल से अच्छी फोटोज कोई नहीं ले सकता है, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग मार्केट में गूगल के फोटोज को उतना नहीं अच्छा जज कर रहे हैं। तो उसका मेन रीजन है एज डिटेक्शन। अगर गूगल एक अच्छा अपडेट दे दे, अपने एज डिटेक्शन को सुधार देना, तो इनसे अच्छी फोटोज आज भी मार्केट में कोई नहीं ले रहा है। भाई आप डायरेक्टली एकदम सन के अगेंस्ट खड़े होकर फोटो ले लो तो भी कोई इशू नहीं है, किसी की भी कोई फोटो ले लो, एकदम ट्रू कलर मेंटेन करने की कोशिश करता है ये। तो भाई बहुत ही अच्छी फोटोज है, मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल शॉट्स दिखा देता हूँ, इंडोर के भी शॉट्स दिखा देता हूँ, आउटडोर में भी पोर्ट्रेट शॉट्स दिखा देता हूँ, तो सब जगह आपको अच्छा ही लगने वाला है। बस एज डिटेक्शन में थोड़ी सी इशू है जहां पे इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत लगेगी। यहाँ तक कि भाई नाइट पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे लेता है, ऐसे नहीं है कि ब्लर मिस कर देगा या कुछ, वो भी अच्छे लेता है, लेकिन एज डिटेक्शन में कभी कभी गड़बड़ कर देता है, तो उसका इंप्रूवमेंट हो जाना, तो इससे अच्छी कैमरा वाली फोन कोई और दूसरी हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कलर शिफ्ट है ही नहीं भाई, और इससे क्या अच्छी मैक्रो शॉट्स वाली फोटोज आती हैं, वो भी मैं शॉर्ट्स आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे शॉर्ट्स आप देखो, खुद जज करो कैसा लग रहा है। मैंने भाई देखो क्रिटिकल से क्रिटिकल लाइट कंडीशन में, मैं खुद सन के अगेंस्ट होके खड़ा होके फोटो खींच लिया, और किसी ऑब्जेक्ट की फोटो खींच ली, अच्छी लाइटिंग में फोटो खींची तो वहां तो अच्छी आ ही रही है, लेकिन कुछ इधर उधर छोटे मोटे पॉइंट्स है जिसपे इंप्रूवमेंट की इसमें जरूरत है। अब फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। भाई फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छा है, वही इंडोर में जब भी फोटो लो थोड़ी ये डल कर देता है, पता नहीं क्यों, वही है नेचुरल मेंटेन करने, लेकिन आउटडोर्स में बहुत ही अच्छी फोटोज आ रही है, किसी तरीके कोई इशू नहीं है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छा है, और हाँ मैं आपको बताना भूल गया, इसकी एक बहुत ही अच्छी खास बात है। नॉर्मली जब हम लोग पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो क्या होता है, 1x से 2x, 2x से 3x या फिर 5x जो भी जाता है, तो उसके बीच में हम लोग नहीं जूम चेंज कर पाते। इसमें आप अगर 1.5 से 2x जा रहे हो ना, तो आप किसी भी एक पॉइंट पर रोक करके वहां पे पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हो। 3x तक जाना है, उसके बीच में आप कहीं पर रोक करके ले सकते हो। सेम गोज विद फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा में आपको दिख रहा है 0.1, 0.7x से 1x, इसके बीच में भी आप कहीं रुक सकते हो। 2.9x तक के बीच में कहीं भी आप रोक करके पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हो। ये चीज भाई गूगल ने बहुत ही अच्छी करी, इस चीज को तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई पोर्ट्रेट शॉट्स में आप वेरिएबल जूम एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल पा रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होगी ये। इसके लिए तो भाई 10 on 10 मैं पॉइंट्स देना चाहूंगा। हाँ इनको अपनी एज डिटेक्शन को सुधारना पड़ेगा, और वही बात है फ्रंट कैमरा से सन के अगेंस्ट खड़े होकर फोटो खींच लिया, पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल ली, मतलब बहुत ही अच्छे से बैलेंस करा एकदम। मैंने दोपहर में ही फोटो निकाला, सन ऊपर है वो टाइम पे भी अच्छे से कलर बैलेंस कर रहा है, और भाई सन सामने है उस टाइम पे भी फोटो खींच ली तब भी अच्छी फोटो आ रही है, बहुत ही अच्छा कैमरा है इसका। हाँ पोर्ट्रेट शॉट्स ही बस सुधारने की जरूरत है, फेस डिटेक्शन अच्छा कर दो ये तो एप्पल आईफोन 15 से अच्छा बन जाएगा। और अब क्या बात करनी रहेगी, हाँ इससे आप पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन है। मैं आपके सामने सैंपल लगा देता हूँ, आप खुद जज कर लो, और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं एक अगली वीडियो इसी के कैमरे से पोर्ट्रेट वीडियो पे शूट करके भी डाल दूंगा, एक अच्छे से सैंपल से जहां जाकर वैसे, तो आप जज कर लेना, लेकिन ये एक आप सैंपल देख लो। वीडियो की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसके मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा से तीनों से आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे, और वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आप मेन से अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर लोगे
लेकिन अब बस यही है कि फ्रंट कैमरा में नहीं शिफ्ट कर पाओगे, ये एक मुझे अजीब सी बात लगी। लेकिन वहीं पे एक अच्छी बात ये भी है कि जितने भी एंड्रॉइड फोन है उनसे अच्छा जूम मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम यही करता है इस प्राइस पॉइंट पे, या फिर 40,000 तक के जो भी फोन देख लो उन सबसे अच्छे जूम यही करता है, या फिर लेंस के बीच में जो स्विच करना होता है ये अच्छे से स्विच करता है। बस एक ये फ्रंट कैमरा में भी स्विच करवा देता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया है। और इसमें ऑडियो जूम का ही फीचर है, मतलब मान लो कहीं आवाज हो रही है उधर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप जूम करोगे ना तो वहां की आवाज को अच्छे से कैप्चर करता है। और मैं बाकी आपको इसके मेन कैमरा के जो भी सैंपल्स है मैं दिखा देता हूँ वीडियो के, तो आप जज कर लो कि कैसा स्टेबलाइजेशन। मैं उसमें भाग के भी मैंने दिखाया, वॉक करके भी दिखाया, तो आपको समझ में आ रहा हो कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। और अब इसके फ्रंट कैमरा के फुटेज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके फ्रंट कैमरा से, वो भी 4K 60 FPS पे। अभी मैं पेड़ की छाँव में हूँ, लाइट को अच्छे से बैलेंस कर रहा है। जैसे ही मैं धूप वाले भी एरिया में आ रहा हूँ तो एकदम सही से सनलाइट को बैलेंस कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई सडन एक्सपोजर अप हो रहा है, एक्सपोजर डाउन हो रहा है। अब मैं एकदम सन के अगेंस्ट में हूँ एकदम, ये दोपहर है तो देख लो भाई, लाइटिंग तो ये अच्छे से बैलेंस कर रहा है। माइक क्वालिटी का आप बता देना कि कैसी माइक क्वालिटी है, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सही ही लग रही है। तो आप कमेंट ज़रूर करना इसके माइक क्वालिटी के लिए। स्टेबलाइजेशन के लिए मैं भग के देख लेता हूँ कि फ्रंट कैमरा में कैसे स्टेबलाइजेशन है, और आप भी वीडियो देखना बताना कि स्टेबलाइजेशन कैसी लगी इसके फ्रंट कैमरा की। आपने भाई वीडियो देखी ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसा इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे देखो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि इसमें तो AI जनरेटिव AI है, तो मैं वो एक चीज़ बता देता हूँ कि वो फोटोज एप्लीकेशन है, वहां से आप जा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं भी रख सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक बेस्ट टेक नाम का फीचर है। अगर मान लो ग्रुप फोटोज आप ले रहे हो कहीं पे, और या फिर मल्टीपल शॉट्स ले रहे हो बच्चों की, तो बच्चे रो रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, तो मल्टीपल शॉट्स है तो आप उस पर्टिकुलर जिस भी चीज का मतलब चेहरा या फिर कुछ सही नहीं है आप उसको चेंज कर सकते हो बेस्ट टेक में, और एक अच्छी फोटोज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मतलब ऐसा होगा कि आप अगर ग्रुप में फोटोज ले रहे हो तो सबकी फोटो अच्छी आने वाली है, इसकी गारंटी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सारी चीजें मुझे गूगल की हमेशा अच्छी लगी हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का क्या कहना है, एकदम भाई क्लीन एक्सपीरियंस है। अब गूगल के फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की क्या बात करें, एकदम स्नैपी एक्सपीरियंस रहने वाला, अच्छा है, क्लीन है, नो डाउट। इसमें कोई भी एड्स नहीं आएंगे, ना ही किसी तरीके का ब्लोटवेयर मिलेगा, अच्छा है। और डेफिनेटली इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए कोई भी इस फोन को खरीदे कभी मतलब बुरा उसको लगेगा ही नहीं इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात चार चांद लगाने वाली, 7 साल का एंड्रॉइड का मेजर अपडेट, 7 साल का एंड्रॉइड का मेजर अपडेट 35,000 में कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है भाई। अभी इसमें एंड्रॉइड 14 है, एंड्रॉइड 15 का भी अपडेट आ चुका है, मैं आज ही अपडेट करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एंड्रॉइड 15 कैसा होने वाला है। और ये आने वाले 7 सालों तक चलेगा, क्या चाहिए भाई, एंड्रॉइड 21 तक ये बेस्ट रहने वाला है। अब इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें आपको मिलता है 5G का सपोर्ट, कैरियर एग्रीगेशन भी है, साथ ही साथ इसमें NFC है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, सब कुछ अच्छा है। और ये फोन डेफिनेटली कंसिडरेबल है। और बहुत ही लोग कहेंगे भाई गूगल का फोन है तो बात करोगे तो नेटवर्क ड्रॉप होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे ऐसी कोई भी इशू इसमें नहीं एक्सपीरियंस हुई। हाँ, ऐसा मुझे फील हुआ कि जहाँ मेरे पास सैमसंग का फोन है कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आया वहां पे अच्छी नेट स्पीड रही है या फिर वहां पे बात हो पाई है, और वहां पे इससे नहीं हो पाई है, वहां मतलब हुई है लेकिन कहीं कहीं कॉल ड्रॉप हो गया या फिर थोड़ी नेट की स्पीड कम रही है, तो भाई उतना मैनेजेबल है। ऐसा नहीं हर जगह, एकदम आप आउटस्कर्ट्स में चले जाओ, मैंने वो सीन नहीं रिकॉर्ड किया वहां पे, मतलब एकदम दूर दराज, ऐसा कोई इशू नहीं है, बाकी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। तो ये तो हो गया इसके कनेक्टिविटी की बात, अब क्या बच गया है, वर्डिक्ट। भाई देखो, वर्डिक्ट ऐसा है कि अगर आपको गेम खेलना है तब इस फोन के साथ मत जाओ, और नॉर्मल टास्क के लिए ठीक है, गेम भी खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लंबे टाइम तक नहीं खेल पाओ क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है G3 है, थोड़ा तो थ्रॉटल वो करता है, और कॉम्पैक्ट साइज है भाई। कॉम्पैक्ट साइज के फोन में एक दिक्कत होती है कि हीट मैनेज सही से नहीं हो पाता, तो उस वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए गेमिंग के लिए नहीं है, कैमरा के लिए बहुत ही अच्छा है। कैमरा में मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई एज डिटेक्शन सुधारो, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा काम है मतलब बताना कि क्या गलत है, मैं बताऊंगा तभी तो माइट बी पॉसिबल एक दिन मेरे भी कहने पे कोई ब्रांड सुधार करेगा, मतलब आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं ना इग्नोर करी जा सकती हैं इतने अच्छे ब्रांड के साथ, वो फ्यूचर में मुझे लगता है अपडेट देके सुधार भी कर देगा। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन मिल रहा है उस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली
इस गलती को इग्नोर करके इस फोन के साथ जाया जा सकता है, मतलब इस डिटेक्शन की गलती को इग्नोर करके इसके साथ जाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 32-35,000 के प्राइस पॉइंट पे। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, फिर कभी सेल आएगा 35,000 तक मिलेगा या 31,000 तक, तब आप ले लेना। तो ये है मेरा पूरा वर्डिक्ट, और मेरा काम है आपको ऐसे बताना जैसे आप मेरे फैमिली मेंबर हो या फिर मेरे दोस्त हो यार हो, ताकि आपको कोई मतलब आपका पैसा वेस्ट ना हो, आप कोई गलत डील ना लो। इसलिए मैं एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और भाई धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो पे अच्छा व्यू देने के लिए।